हर वो शख्स अजीम है जिसने कुछ ना कुछ ईजाद किया। सुई की ईजाद से लेकर खला तक का सफर इन्हीं अजीम इंसानों ही की बदौलत से मुमकिन हुआ। उन्होंने रंग, नस्ल और मजहब को बालाए ताक रखते हुए इंसानियत की फलाह के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ की। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी इस सुर्ख बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो आपको पर वक्त मौसूल हो सके। कोई नहीं जानता कि कायनात की इब्तिदा कैसे हुई। इसके बारे में सबसे आम नजरिया बिग बैंग है। इस नजरिए के मुताबिक अब से तकरीबन 13 अरब साल पहले कायनात एक बहुत बड़े धमाके के नतीजे में वजूद में आई। इस बड़े धमाके यानी बिग बैंग से पहले कायनात में मौजूद हर चीज एक छोटी सी जगह में कैद थी जो एटम के मरकज के बराबर थी। ये नुकता बेहद गर्म और कसीब था जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। फिर ये नुकता एक बेहद ताकतवर धमाके से फट पड़ा जिसके नतीजे में सिंगुलैरिटी में मौजूद मादे की मकदार हमारी कहकशाओं से किसी कदर बड़े रकबे पर फैल गई। ये तमाम अमल एक सेकंड से भी कम अरसे में हुआ। बिग बैंग के इस नजरिए की तौसीह के लिए कई सबूत मौजूद हैं। इनमें से ताकतवर तरीन सबूत वो कमजोर सिग्नल है जिसका खला में सुराख लगाया गया है। ख्याल किया जाता है कि ये सिग्नल बिग बैंग के नतीजे में खारिज होने वाली तवानाई की गूंज या बाजगश्त था। कोई भी चीज बल्कि हर चीज जो मौजूद है या वजूद रखती है वो कायनात का हिस्सा है। साइंसदानों के नज़दीक कायनात अब भी एक सरबस्ता राज ही है। ये तकरीबन मुकम्मल तौर पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बनी है। ये दोनों गैसें हल्के तरीन अनासर में से हैं। दूसरे अनासर जैसा कि सिलिकॉन और कार्बन वगैरह ने मुर्तकज होकर बादल और सियारे तश्कील दिए। कायनात चार गैर मरई ताकतों के बायस कायम है। इनमें से दो मारूफ कुवतें कशिश सकल यानी ग्रेविटी और बरकी मकनतीसियत यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, जबकि दूसरी दो कमजोर और ताकतवर जौहरी कुवतें न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। ये एटम के गैर ममूली तौर पर छोटे मरकजों के अंदर अमल पजीर हैं। इस जौहरी कुवत के सबब एटम के छोटे जर्रात जुड़े रहते हैं। कोई नहीं जानता कि कायनात कितनी बड़ी है, इसकी सूरत शक्ल कैसी है, ये कहां से आई और कहां तक फैलती चली जाएगी। इन मालूमात का हसूल तब ही मुमकिन हो सकेगा जब हम खला में दूर तक जाने के काबिल हो सकेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।